हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? और मैं हूं सीमा। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल धाकर जाटनी व्लॉग्स में। और आज मैं आपको मलाई से मक्खन और घी बनाना बताऊंगी। तो ये मैंने मलाई ले ली है, ये जो दो मेरे डोने देख रहे हो इनमें मलाई भरी हुई थी। और ये मलाई मैंने एक बड़े पतीले में डाल ली है और हैंड ब्लेंडर की हेल्प से मैं इस मलाई को ब्लेंड कर लूँगी। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप चम्मच की सहायता भी इसको घुमाते जाएं मलाई से, और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि आपका जो मक्खन है वो निकल के ऊपर आ जाएगा और जो दूध है वो नीचे रह जाएगा, जैसे कि आप अभी देख रहे हो। तो ये जो मेरा मक्खन है वो ऊपर आ गया है और दूध है वो नीचे रह गया है। तो मैं आपको ये एक बार अच्छे से दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए, जो दूध है वो नीचे रह गया है और जो मक्खन है वो हमारा पूरा ऊपर आ गया है। अब मैं ब्लेंडर को साफ़ कर दूंगी, निकाल दूंगी बाहर, और एक कढ़ाई ले ली है जिसमें मैं ये जो मक्खन निकला है वो निकाल दूंगी। एक पतीले में मैंने थोड़ा पानी लिया है, जो पानी हाथ पे लगा के फिर मैं मक्खन निकालूंगी तो मक्खन है वो मेरे हाथ से चिपकेगा नहीं, इसका ये फ़ायदा है। और ऐसे उछाल उछाल के मेरी दादी मक्खन निकालती थी बिलोनी से, तो गांव की बात तो गांव में ही रह गई है, यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी अब ये काम तो हम सब करते ही हैं। तो ऐसे करने से क्या होता है कि जितना भी इसमें दूध होता है वो सारा नीचे निकल जाता है और हमारा मक्खन मक्खन रह जाता है। तो अब ये मेरा सारा मक्खन मैंने कढ़ाई में डाल लिया है और कढ़ाई को रख दूँगी अब मैं गैस पर गर्म करने के लिए, क्योंकि अब इस मक्खन से हमें निकालना है घी। तो ये देखिए, अब मैंने इसको रख दिया है और एक चम्मच से, जो सब्जी वाली चम्मच होती है, चमचा होता है, कड़छी जो भी आप बोलते हैं वो ले लीजिए और उसकी हेल्प से इसको हिलाते जाएं ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो इसको अब मैं कर दूंगी दूसरे गैस पे शिफ्ट, क्योंकि अब जो दूध नीचे का बचा है उससे बनाना है मुझे पनीर, क्योंकि ये दूध है, ये दूध ही है। मैंने इसको जावन लगा के दही नहीं बनाया, तो मेरा ये दूध ही बचा हुआ है, ये मैंने गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। और साथ के साथ में जो मक्खन रखा है उसको भी चलाती जाऊंगी ताकि वो जल्दी से मेल्ट हो जाए, क्योंकि एक वो जो बंद के बैठा हुआ था वो धीरे धीरे मेल्ट होगा, इसे मैं चम्मच से चलाऊँगी तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा और नीचे चिपकेगा भी नहीं, लगेगा नहीं यानी कि। और ये देखिए, मेरा जो दूध है वो गर्म हो रहा है। इसमें मैं कुछ भी नहीं डालूँगी फाटने के लिए दूध को, क्योंकि ये 15 से 20 दिन पुरानी मलाई है तो ये अपने आप ही फटना चालू हो जाएगा। ये देखिए, पहले जब तक ये गर्म होए तब तक आपको हाई फ्लेम पे रखना है, और जैसे ही ये थोड़ा थोड़ा फटने लगे तो आप गैस का फ्लेम सिम कर दीजिए और थोड़ी देर आप इसको सिम गैस पर ही चलने दीजिए, तो एकदम से जो पानी है वो अलग हो जाएगा और पनीर बन के हमारा रेडी हो जाएगा। और जो ये हमने मक्खन रखा है उसको हम बीच बीच में ऐसे ही चलाते ही जाएंगे, यानी कि एक साथ में हमारे दो काम हो जाएंगे, नहीं तो हम अलग अलग करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। और ऐसे करेंगे तो हमारा पौने घंटे के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा पौना घंटा यानी कि 45 मिनट में जो ये हमारा सारा काम है वो हो जाएगा। बहुत टाइम नहीं लगता है, मिनटों में कुछ भी चीज़ नहीं होती है, लेकिन बहुत कम टाइम में ये हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पूरी मलाई है, सॉरी मक्खन है, वो पूरा मेल्ट हो चुका है और किनारे किनारे आपको घी भी दिखाई दे ही रहा होगा। बस आप बीच बीच में इसको ऐसे ही चलाते जाएं, और क्योंकि इसमें हमें मावा भी बनाना है। और इधर ये हमारा पनीर है वो फट के एकदम से रेडी हो गया है, पनीर अलग हो गया है, पानी अलग हो गया है यानी कि दूध से। तो अब इसको हम छान लेंगे। तो ये देख लिए, आप अच्छे से देख सकते हैं कि एकदम पनीर बहुत अच्छे से बन के रेडी हुआ है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, नींबू वींबू कुछ नहीं डाला फाड़ने के लिए। अब एक बर्तन मैं नीचे रख लूँगी, उसके ऊपर रखूँगी स्टेनर और उसके ऊपर लगा लूँगी एक छालना ताकि हमारा पनीर इसमें रह जाए और पानी है वो नीचे वाले बर्तन में चला जाए। पानी को भी हमें स्टोर करना है, उसे वेस्ट नहीं करना। और ये देखिए, ऐसे पनीर मैंने इसमें छालना है उसके ऊपर डाल दिया है ताकि पनीर हमारा वो है जो इस छालने में या फिर टावल, जो किचन टावल होता है उसमें रह जाए और पानी सारा स्टेन होके नीचे चला जाए। और अब इसको बहुत गर्म है, थोड़ा सा ध्यान से आप इसको उठाना और ऐसे इसका पूरा पानी निकाल देंगे, क्योंकि बहुत दिनों की मलाई है तो थोड़ा सा खटास होता है इसमें,
तो हम इसको थोड़ा पानी के नीचे ऐसे लगा देंगे ताकि वो खटास भी निकल जाए और थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए। और बहुत ठंडा नहीं करना है क्योंकि फिर इसकी पिट्ठी नहीं बनेगी। तो गरम गरम ही आप इसको ऐसे पूरा पानी निकाल दें, किसी चीज़ से दबा के निकाल दें या फिर ऐसे घुमा घुमा के निकाल दें और इसकी एक पिट्ठी बना लें। जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने इसकी एक ऐसे पिट्ठी सी बना ली है। हथेली से भी दब के बन जाती है ये, आपको गर्म ना लगे तो, गर्म लगे तो आप किसी और चीज़ से दबा के भी इसको बना सकते हैं। ये देखिए हमारा पनीर एकदम रेडी हो गया है। बहुत अच्छा पनीर बनता है, खाने में भी बहुत टेस्टी बनता है। मैं हमेशा ऐसे ही पनीर बनाती हूँ। और यहाँ पे हमारा जो है वो घी बनना स्टार्ट हो चुका है। बस अब कुछ ही देर में हमारा घी भी है वो बन के रेडी हो जाएगा। अब इसको आपको चलाते जाना है। और ये जो पनीर से पानी बचा है इसे हम फेंकेंगे नहीं, यूज़ करेंगे। आटा गूंथने में आप इसको यूज़ कर सकते हैं जिससे रोटियां बहुत सॉफ्ट बनेंगी। और ये देखिए अब घी का कंडीशन ऐसी हो गई है कि ये बहुत बॉयल होने लगा है। इसका मतलब है कि बस अब कुछ ही मिनट में, यानी कि 5 से 10 मिनट के अंदर हमारा घी बन के रेडी हो जाएगा। और ये जो आप देख रहे हो ये है मावा, ये जो नीचे निकलेगा। और अब कंटिन्यू चलाते रहना है, बंद नहीं करना, नहीं तो हमारा मावा नीचे लग के कलर में भी चेंज हो सकता है। तो ये देखिए अब हो गया है घी रेडी। अब हमें थोड़ी सी देर और चलाना है। ये जो आप ऊपर वाइट वाइट देख रहे हो इसको भी हमें ख़त्म करना है, नहीं तो ये अगर घी में रह जाती है तो घी में थोड़ी सी मतलब 15-20 दिन बाद स्मेल हो जाती है। अगर आप इसको भी चला चला के इसको पूरा ख़त्म कर दोगे तो घी आप कितने ही दिन रखो तो इसमें स्मेल नहीं होगी। बस अब तो हमारा घी एकदम से बन के रेडी हो ही गया है। ये देखिए एकदम पानी के जैसा घी आपको दिख रहा है। नीचे जो वाइट वाइट दिख रहा है वो है हमारा मावा, खोया जो भी आप बोलते हो उसको। और गैस कर देना है बंद और थोड़ी देर हमें इसको चलाते ही जाना है क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है और हमारा मावा नीचे लग सकता है, उसका कलर चेंज हो सकता है इसलिए। और अब मैं ले आई हूँ ये एक छालनी और डब्बा जिसमें मेरे को घी डालना है। मेरा ये घी का डब्बा है और ये एकदम खाली है, तो मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि देखेंगे कि ये कितना भरेगा। और बस अब चम्मच से छालनी के ऊपर घी डालते जाना है और जो भी इसके ऊपर ये है वो छलनी में रह जाएगा और घी जो है हमारा वो ये डब्बे में सारा डाल देना है ऐसे करके। और बस हमारा घी हो गया है रेडी। तो यानी कि हमने मलाई से हमने पहले मक्खन निकाला, फिर मक्खन से हमने ये घी बनाया और जो दूध बच गया था उससे हमने पनीर बनाया और जो पनीर का भी पानी बच गया था वो हम आटा गूंथने में यूज़ करेंगे। यानी कि एक मलाई से हमने इतने सारे जो हैं काम कर लिए और कोई भी चीज़ हमें अपनी वेस्ट नहीं जाने दी। और जो ये मावा बच गया है, मावा खोवा जो भी आप बोल लीजिए इसको, इसको भी खाने में बहुत टेस्टी होता है। इसमें मैं अभी जो इसमें घी बच जाएगा उसी में मैं थोड़ी सी चीनी डाल के, और खाने में बहुत टेस्टी लगता है ये। ऐसा नहीं है कि ये कड़वा होता है या कुछ भी, जो कलाकंद का टेस्ट आता है ना वही टेस्ट इसमें आता है। तो आप देख सकते हैं ये मेरा 1 किलो से भी ऊपर का डब्बा था तो ये पूरा भर गया है। मुझे पूरा याद नहीं है कि ये कितने दिन की मलाई थी। तो अब ये देखिए मैं जो खोआ मावा जो भी आप बोल लीजिए इसको ये ले आई हूँ। तो थोड़ी देर मैं इसको ऐसे ही चलाऊँगी ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो थोड़ा सा कम हो जाए और फिर उसके अंदर डाल दूँगी मैं चीनी, क्योंकि पीकू को और मुझे खाना है, मतलब हम दोनों, पीकू को बहुत अच्छा लगता है ये, तो उसको थोड़ा मीठा ही अच्छा लगता है। तो मेरे हस्बैंड नहीं खाते, वो कहते हैं कि बस कुछ खाने पीने की चीज़ें तुम ही खा लिया करो उनका तो ये ऐसा स्वभाव है। और बस अब इसमें चीनी डाल के चीनी मेल्ट होएगी और चीनी अच्छे से इसमें घुल जाएगी, तब तक इसको चलाते जाना है। और ये हमारी चारों चीज़ें रेडी हो गई हैं, घी और ये पनीर का निकला हुआ पानी और ये पनीर और ये कलाकंद। अब ये कलाकंद बन गया है क्योंकि इसमें चीनी मिक्स हो चुकी है और मेरा बेटा बड़ा कूद कूद के खुश होके खाएगा। और अगर आपको मेरी ये जो है वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना,
और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और ये मैं आपको पनीर कट करके दिखा रही हूँ कि ये देखिए एकदम सॉफ्ट स्पंजी पनीर बना है। और तो ये लीजिए, एक मलाई से हमने इतनी सारी चीज़ें रेडी कर ली हैं, और घी हमारा बहुत दिन चलेगा, यानी कि अगली मलाई जब तक इकट्ठी होती है तब तक हमारा घी चलेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।